ताजमहल भारतीय शहर आगरा में यमुना नदी के दक्षिणी किनारे पर एक हाथी दांत सफेद संगमरमर का मकबरा है। यह 1632 में मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा अपनी पसंदीदा पत्नी मुमताज महल की कब्र के लिए बनाया गया था। इसमें स्वयं शाहजहां का मकबरा भी है। मकबरा 42 एकड़ परिसर का केंद्र बिंदु है, जिसमें एक मस्जिद और एक गेस्ट हाउस शामिल है और एक औपचारिक दीवार द्वारा तीन तरफ से बंधे औपचारिक उद्यानों में स्थापित किया गया है। माना जाता है कि ताजमहल का परिसर 1653 में लगभग 32 मिलियन रुपए की लागत से पूर्ण रूप से बनकर तैयार हुआ था, जो 2020 में लगभग 70 बिलियन रुपए का होगा। ताजमहल को 1983 में भारत में मुस्लिम कला का गहना और विश्व की विरासत की सार्वभौमिक रूप से प्रशंसित कृतियों में से एक होने के लिए यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया था। ताजमहल एक साल में 7 से 8 मिलियन दर्शकों को आकर्षित करता है और 2007 में इसे विश्व के नए 7 अजूबों का विजेता घोषित किया गया है। मुमताज की मृत्यु के बाद शाहजहां के दुख का दस्तावेजीकरण करने वाली शाही अदालत ताजमहल की प्रेरणा के रूप में रखी गई प्रेम कहानी को दर्शाती है। ताजमहल की बाहरी सजावट मुगल वास्तुकला में बेहतरीन है। सजावटी तत्वों को पेंट, प्लास्टर, पत्थर के नक्काशियों को लागू करके बनाया गया था। यह परिसर एक बड़े 300 मीटर चौकोर चारबागिया मुगल उद्यान के आसपास स्थित है। ताजमहल परिसर तीन तरफ से लाल रंग की बलुआ पत्थर की दीवारों से घिरा है। नदी के सामने वाला भाग खुला है। मुख्य प्रवेश द्वार एक स्मारक संरचना है, जो मुख्य रूप से संगमरमर से निर्मित है और पहले के सम्राटों की मुगल वास्तुकला की याद दिलाता है। दीवारों के बाहर कई अतिरिक्त मकबरे हैं, जिनमें शाहजहां की अन्य पत्नियां भी शामिल हैं और मुमताज के पसंदीदा नौकर के लिए एक बड़ा मकबरा है। ताजमहल आगरा के शहर के दक्षिण में जमीन के एक पार्सल पर बना है। शाहजहां ने महाराजा जयसिंह को जमीन के बदले में आगरा के केंद्र में एक बड़ा महल भेंट किया था।